हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ, कल से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा ना, तो उसके लिए मैं आ गई हूँ सामान खरीदने। तो ये मैं अपने पूजनीय ससुर जी के लिए ये जो माला वाइट कलर का उन्हें पहनाते हैं, तो मैं आज ही ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं आ पाऊँगी या नहीं, तो मैं इसे ले लेती हूँ। और जौ, तिल, कुश यही सब ले रही थी, तो छवि के साथ ही आई थी मैं मार्केट। तो ये पतला वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये मैंने नहीं लिया था, जो ये वाला है ये नहीं लिया था। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अपने दादाजी के लिए छवि जो है माला बना रही है। कैसे बना रही हो छवि, माला दिखाओ, तो दिखाओ छवि कैसे बना रही हो, सुई में लगाते हुए दिखाओ, ऐसे थोड़ी दिखाओगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक फ्लावर की जो डंठल होती है ना, उसका जो क्या इसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डंठल ही बोला जाता है, तो उसी को वो खींच के यहाँ पर गजरे की तरह बना रही है, ये देखिए। और ये हर साल यही बनाती है। तो अभी छवि बना ले रही है और मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज जो दिन है, बुधवार है, और ये देखिए सुबह के हो रहे हैं 8 बजने वाले हैं सुबह के। और ये सिंदूर कल का फैला था, अभी तक छूटा नहीं है। तो आज अभी हम लोग करेंगे पितरों की पूजा, और मैं अपने ससुर का, अभी हस्बैंड गए हैं फ्रेश होने, और अभी वो फ्रेश होकर नहा के जब आएंगे तो मैं अपने मतलब ससुर का पूजा करूंगी और अपने पितरों का पूजा करूंगी, और उनके लिए कुछ खाने वगैरह जो होते हैं, जानते हैं कि क्या क्या रस्में होती हैं। जो लोग करते हैं उन्हें पता है, जो लोग नहीं करते होंगे उनका मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मैं 2 साल से कर रही हूँ। मेरे ससुर को 3 साल हुआ एक्सपायर हुए, तो 2 साल से मैं कर रही हूँ, ये 2रा साल है मेरा। तो अभी देखिए मैं क्या बनाती हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर बनाऊँगी कुछ। और छवि को मैंने दिखाया था कि छवि माला बना रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पितृ विसर्जन में आप लोग के पितृ आप लोग के घर आए, आप लोग उनके अच्छे से सेवा करिए, जितना आपसे बन सके, थोड़े में या ज़्यादा में, चाहे आपके पास कम हो या ज़्यादा हो, आप अपनी श्रद्धा से उनके आगे रखिए कि हे पितृ, मैं अपनी श्रद्धा से, मेरे पास बहुत है तो बहुत करिए, नहीं है तो श्रद्धा से आप कुछ भी रख देंगे, वो तो पितृ हैं हम लोग के, वो सब कुछ अच्छे से जानते हैं, और कहीं ना कहीं वो माफ़ भी करेंगे, जो भी भूल चूक होगा हमसे, गलतियाँ होंगी हमसे, तो हमारे पितृ हैं, बड़े हैं। पर कोशिश करना है हमें कि मतलब कोई भी हम गलती ना करें। अभी मैंने घर में पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और जब हस्बैंड पूजा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और चावल का आटा मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं रंगोली नहीं बना पाई आज, वरना मैं रंगोली भी बनाती हूँ, पर मिला नहीं। मैं गई थी कल मार्केट और दुकान पे गई थी, तो रुपेश देखिए गया था मार्केट, वो आ गया है। तो बस मैं आप लोग से यही कहूँगी कि अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करिए श्रद्धा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, और आज हमारा फ़र्ज है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो वो बहुत कुछ तो हमसे मांगते नहीं हैं, तो बस लोग से अपनापन मांगते हैं। और पितृपक्ष का दिन ऐसा होता है कि जो पितृ लोग होते हैं ना, वो सारे पितृ लोग हैं, भगवान जी लोग उन्हें छोड़ देते हैं कि आप अपने अपने घर जाइए, अपने घर वालों से मिलिए, उनको देखिए, वो देखते हैं आपकी क्या क्या सेवा करती हैं, तो वही पितृ लोग देखते हैं। अगर हम लोग अपनी श्रद्धा से जो भी होता है करते हैं तो खुश होकर जाते हैं, और हम अच्छे अच्छे रहते हैं, पूरे परिवार अच्छे से रहता है। और अगर वही नाराज़ हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो मैं आप लोग से कहूँगी, अच्छे से पितृ लोगों का सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, और मैं अभी आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो चलिए व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं चलती हूँ किचन में कुछ बनाने, तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी और दिखाऊंगी आपको। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय बना लूँगी सभी के लिए। तो ये कितना लाए रुपेश, क्या रुपये किलो था? किलो था, 20 रुपये। कितना दिया है? 20 रुपये का दिया है। चलो, तो ये सूरन लेके आया रुपेश, आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी, और अभी मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है, यहाँ पर चाय बन रही है, और ये चूड़ा मैं भून रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा।
तो अभी चूड़ा जो है वो भुन रहा है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि छवि जो है माला बना रही थी वो माला बन गया है कि नहीं। छवि माला बन गया है? अच्छा दिखाओ जरा तो। वाह छवि बहुत सुंदर माला बनाई हो। ठीक है रख दो ना, टूटे ना, सारे फ्लावर जो बचे एक साइड थाली में लगा दो। तो आपने देखा ना छवि कितना सुंदर माला बना रही है। हमारे यहाँ इसे गजरा बोला जाता है, तो बहुत सुंदर यही बनाती है हर साल। तो देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले में पीस लूंगी गोल मरीच, जीरा ये आधे आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, और लहसुन है इतना एक पोटी है, और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया है, और चार हरी मिर्च है, और छोटा एक टमाटर है। टमाटर मैं ज़्यादा इसमें नहीं पीस रही हूँ। और ये दो प्याज मैं कट कर लूँगी तड़के के लिए। तो अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो पीस गया है, मैंने बिल्कुल बारीकी से नहीं पीसा है। और इधर देखिए जो सूरन है और आलू है वो भी फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं उसी तेल में थोड़ा और तेल ऐड करके उसी कढ़ाई में, जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने तेज पत्ता डाला है दो, और दो ही लवंग डाला है साबुत। तो ये थोड़ी देर 2 सेकेंड बस रखना है, 2-3 सेकेंड, उसके बाद से मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें, हमें तो अच्छा लगता है ज़्यादा प्याज ही। तो मैंने बड़े बड़े दो साइज़ के मैंने दिखाए हैं आपको, मैंने कितने बड़े कट किए हैं। तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अभी मैंने इसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, सिर्फ यही मसाले भी मैं डाल रही हूँ इसमें, और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल के अब इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। और बर्तन भी काफ़ी हो गया था तो उसे भी धुल लेती हूँ जब तक मसाले भुनेंगे तब तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कल लाया था जो दिखाया था आपको, गंगा जल है, तिल, जौ, चावल ये कुछ है, ये पहन के हस्बैंड पानी देंगे और ये हाथ में लेंगे और वो जो है एक हाथ में पहनेंगे। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और ये हस्बैंड जो है पूर्वजों को पानी देने जा रहे हैं। तो मैंने इस पानी में गंगा जल डाला है, थोड़े से फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर चढ़ते हैं इन लोग को, पूर्वजों को, तो मैंने थोड़े से वाइट कलर के फ्लावर डाल दिए हैं और वो पानी देते रहेंगे। और मैंने तिल, जौ, चावल को एक ही मिला दिया है और हाथ में उनके देती रहूँगी और वो मतलब जल देते रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो कुश का पैती होता है वो पहन लिया है और अब ये पूर्वजों को पानी दे रहे हैं। तो फ्रेंड हस्बैंड ने अभी मतलब पूर्वजों को अपने नीचे की पूजा हम लोग करेंगे गेट पर, उनका स्वागत करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, दो काम मैं एक ही साथ कर रही थी। और ये देखिए मसाला जो है भून गया अच्छी तरीके से, तो मैंने इसमें आलू और सूरन जो है उसे डाल दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी इस मसाले के साथ, फिर इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मैं चला चला कर सिर्फ 5 मिनट तक ही पकाऊंगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं। और अभी हस्बैंड आगे आ गए हैं और गेट पर थोड़े से फ्लावर और चावल, और वो रख के हम उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं कि जो भी हमारे पितर हैं आए, हमारे हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। तो वही हम पूरी फैमिली के साथ उन्हें इनवाइट कर रहे थे अपने घर में। फिर हस्बैंड जो हमारे ससुर हैं उनकी तस्वीर को अच्छी तरीके से साफ़ करके, फिर उन्होंने एक टेबल पे उन्हें आसन दिया, जैसे कि सफ़ेद रुमाल है, ये सफ़ेद चीज़ ही इन्हें चढ़ती है पूर्वजों को। तो उन्हें आसन दे के फिर इन्होंने उनको स्नान कराया, कुछ से स्नान ही कराना रहता है। और ये जो पूजा होती है ना, ये सिर्फ घर के बेटे ही करते हैं। तो अभी उन्होंने स्नान करा दिया, फिर इन्हें चंदन का टीका लगाए हैं, और जो छवि फूल बनाई है ना, फूल का गजरा वाइट कलर के, वो पहना देते हैं। छवि बहुत ज़िद करती है कि मैं ही बनाऊंगी, वरना मैं हर साल मैं ही बना लेती थी, पर वो जब इतना ज़िद करती है तो मैं उसे दे देती हूँ कि कुछ ये भी सीखेगी। वैसे हम सभी को बच्चों को इस समय इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चे जो है ना हमारे संस्कार सीखें। तो अभी हस्बैंड पूजा कर लेंगे, फिर बारी बारी से हम लोग भी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने पितरों की, हम सभी ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने, हमारे बच्चों ने इस तरीके से पूजा की। और फिर उनका एक क्या कहते हैं, सरसों के तेल से ही दिया जलता है पितरों का, तो वही
दिया जला देंगे और अगरबत्ती दिखा देंगे और हम सभी साइड में खड़े हैं। तो इसी तरीके से हम 15 दिन तक ऐसे इनका स्वागत करेंगे, इस तरह से पूजा करेंगे। ये 15 दिनों तक करेंगे जब तक पितृ विसर्जन नहीं हो जाएगा अमावस्या को। तो अभी मैं पूजा करने के बाद किचन में जाऊंगी और सब्जी जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है, बस इसे कुकर में ट्रांसफ़र करके 2 सीटी आने तक बस मैं चढ़ा दूंगी। और कुकर में सीटी लगाने से टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और इधर मैंने अपने पूर्वजों के लिए जो है चूड़ा फ्राई किया था वो, और चाय ये दे दूँगी। तो हस्बैंड इन्हें पहले खिला देंगे, फिर उसके बाद से हम खाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, तुलसी दल का इसमें बहुत महत्व होता है, बिना तुलसी पत्र के भोजन ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज़ तुलसी दल डाल के ही अपने पितरों को भोजन दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनके रेडी है और कितना अच्छा कलर आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका था। और अभी मैं अपने पूर्वजों की थाली लगा देती हूँ। तो ये आज मैंने खाना जल्दी सारा बना लिया था, वैसे तो मैं चावल थोड़ा लेट भी बनाती हूँ, पर आज चढ़ाना था तो इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। चावल, दाल, सब्जी, पूड़ी और मैंने तुलसी दल भी रख दिया है एक, फिर हस्बैंड इन्हें खिला देंगे। और ये जो प्लेट की थाली का खाना है ना, वो गाय माता को हम लोग डाल देंगे। तो 3 बार पहले हस्बैंड इन्हें खिलाएंगे, फिर इन्हें पानी देंगे, फिर ये लेकर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्रीशा ये क्या खा रही हो? प्रीशा क्या खा रही हो? केला। तो बनाना खा लो, बनाना। तो प्रीशा यहाँ पे पूजा हो गया, हस्बैंड गए हैं जो मैंने निकाला था खाना ना वो करने, और मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। किचन देखिए, अभी देखिए किचन कितना गंदा है, तो मैं अभी सफाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।